प्रेम शुक्ला जी, अब नाउ सॉरी सर, मैंने आपको थोड़ा, क्योंकि मैं चाहता था ये पूरी तरह रिएक्ट कर ले, उसके बाद मैं आपको इन्वॉल्व करना चाह रहा था। प्रेम शुक्ला सर, प्लीज गो अहेड सर, योर रिएक्शन, ये क्या हो रहा है सर? निशान जी देखिए, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का पिछले दो दशकों से और विशेष करके जब से सत्ता में आई है तब से तुष्टीकरण की राजनीति उसके राजनीति का अहम अंग है। ऐसे में उनको लगता है कि जो 30% मतदाता एक वोट बैंक है मजहब विशेष का, उस वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए हिंदू प्रतीकों का अपमान करना, इसलिए मुहर्रम का जुलूस निकालना, दुर्गा पूजा के जुलूस को प्रतिबंधित करना, सरस्वती पूजन को प्रतिबंधित करना, हनुमान जयंती को प्रतिबंधित करना, रामनवमी के जुलूस पर जो है कार्रवाई करना, उसके बाद सीता जी का अपमान करना, अब प्रभु रामचंद्र जी के राम भक्तों का अपमान करना, प्रभु रामचंद्र जी के बारे में अनर्गल प्रलाप करना, और कर कौन रहा है? जो स्वयं भलीभांति जानता है, जो स्वयं का विधि विशेषज्ञ है, जो इनका सांसद है और नंदीग्राम से लेकर तमाम आंदोलनों में विधि विशेषज्ञ के रूप में तृणमूल कांग्रेस पार्टी की पैरवी कोलकाता हाईकोर्ट समेत तमाम न्यायिक मंचों पर करता रहा है, ऐसा व्यक्ति अगर इस तरह का बयान बारंबार दे रहा है तो इसको आप अनायास निकला हुआ बयान नहीं है बल्कि एक सुनियोजित बयान है, और बयान के पीछे हिंदू आस्थाओं पर प्रहार करना इनका उद्देश्य है। आप कल्पना कीजिए ना, इस तरह का अगर पैरेलल जो है जो ड्रॉ कर रहे हैं, आप कल्पना कीजिए कि जिस तरह से प्रभु रामचंद्र जी के बारे में, सीता मैया के बारे में, जगत जननी सीता के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, क्या इसी तरह की टिप्पणी इस्लामिक जो धार्मिक प्रतीक है या ईसाइयों के जो धार्मिक प्रतीक है या अन्य धर्मियों के जो धार्मिक प्रतीक है उनके खिलाफ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कारण है कि हिंदू उदार है, सनातन पंथी उदार है, वो उदारता से सारी चीजों को सह लेता है, इस कारण उसकी उदारता का लाभ उठाकर आप मजहबी वोट बैंक को ध्रुवीकृत करके उनको प्रसन्न करके, उनके कट्टरपंथी तत्वों को प्रसन्न करके, जो मालदा में पुलिस थाना फूंकते हैं, जो मुर्शिदाबाद में मदरसों में बम रखते हैं, ऐसे लोगों को प्रभावित करके अपनी तरफ खींचने की एक निकृष्ट राजनीति है, उसका यह परिणाम है। ठीक है, आपने पॉइंट रखा, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।